दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई तरह के खतरनाक और रहस्यमय जंगल है, लेकिन जब नाम अमेजन जंगल का आता है तो लोगों का दिल और दिमाग रोमांच से भर जाता है, क्योंकि इसके कई रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाए हैं और ना ही इंसान इसको जंगल पूरी तरह से देख पाए हैं। अगर हम पृथ्वी की ही बात करें तो अमेजन जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाए गए हैं। हाँ, ये बात तो हम सभी जानते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस जंगल में कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं जो लोगों के होश उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अमेजन के कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज जीवों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ब्लू फुटेड बूबी। दोस्तों, ये एक अनोखा और विचित्र पक्षी है जो अमेजन जंगले के साथ उत्तरी और मध्य अमेरिका के समुद्री तटों के आसपास पाया जाता है। इसका नाम इसे इसके अनोखे नीले पैरों से प्राप्त हुआ है जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। इसके पैर गहरे नीले रंग के होते हैं जो इसे एक खास पहचाना दिलाते हैं। ये पक्षी कोस्टल एरियाज में अपना घर बनाते हैं और जलीय जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी खासियत उसके डांस और अपने आजादी से उड़ान की अनोखे एबिलिटी में दिखती है। ब्लू फुटेड बूबी एक सोशल पक्षी है जो झुंड में रहता है और बंटवारे तरीके से अपना घर बनाते हैं, और इनकी जोड़ीदारी और आकर्षक नृत्य भी इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाते हैं। इसके पीले और सफेद रंगों के पंख इसे और भी आकर्षक बनाते हैं और इन्हें दूरबीन से देखने पर ये बेहद शानदार दिखते हैं। ब्लू फुटेड बूबी एक रोमांटिक पक्षी भी है जो अपने लाइफ सेविंग हार्मनी के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू कैंडीरू फिश। इस मछली को पैरासाइटिक लूस भी कहा जाता है। ये एक वंडरफुल और कंट्रोवर्शियल मछली है जो अमेजन नदी में पाई जाती है। इस आमतौर पर से अमेजन नदी के गहराई में पाया जाता है और ये इतनी छोटी साइज की होने के बावजूद भी इसकी अनोखे और अनयूजुअल हैबिट्स के लिए ये प्रसिद्ध है। ये मछली बड़े ही आसानी से दूसरे मछलियों के शरीर के अंदर जा सकती है जो इसे एक पैरासाइट बनाता है। ये अपने हिसाब से आत्म प्रसार करती है और अन्य मछलियों के शरीर में घुस जाती है, जिससे कॉन्ट्रोवर्सी उत्पन्न होती है। ब्लू कैंडीरू को अक्सर पैरासाइटिक लूस कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य आदान प्रदान अन्य मछलियों को प्रभावित करता है। इसका आकार छोटा और रंग नीला होता है जो इसे खास बनाता है। ये मछली अपनी प्रजाति के रूप में अनोखे और अजीब दिखावटी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी अमेजिंग लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल सिस्टम के कारण ये एक हैरानी का विषय बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने के प्रति मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग मैनेटी अमेजोनियन। दोस्तों, ये एक शानदार और सुरक्षित समुद्री जीव है जो दक्षिण अमेजोन नदी का हिस्सा है। ये जमीन और जल दोनों में पाया जाता है और इसकी खासियत उसके बड़े और गोल शरीर से है, जिस वजह से इसे एक अनोखा समुद्री मैमल बनाता है। अमेजोनियन मैनेटी का वजन लगभग 350 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी ऊंचाई आमतौर पर 2 मीटर तक हो सकती है। इसकी खासियत विभिन्न रंगों की त्वचा है। ये अपना काफी टाइम फीमेल पार्टनर के साथ बिताते हैं, जिसमें ये अपने छोटे मैनुअल्स को सुरक्षित रखते हैं। इसका मुख्य आहार समुद्री घास और वन्य जंतु से प्राप्त होता है, जिससे इसका बरकरार रहना जरूरी है। मैनाटी अमेजोनियन पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और इसे अन्य समुद्री जीवों के साथ रहने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत है। पिग्मी मार्मोसेट। दोस्तों, इसे पिग्मी बंदर भी कहा जाता है। ये बंदर की एक छोटी और अनोखी प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगल में पाए जाते हैं। इसका नाम इसके छोटे आकार और इसकी खासियत में से आता है, जो इसे वाइल्ड लाइफ बंदरों की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक बनाता है। पिग्मी मार्मोसेट का वजन लगभग 100 ग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके ब्राउन रंग के फर और लंबे पूंछ के साथ ये बंदर बेहद सुंदर लगते हैं। ये बंदर प्रोस्पेरिटी और मॉडर्न वाइल्ड लाइफ के इलाकों में रहते हैं, जहाँ ये अपने छोटे परिवारों में मिलते हैं और बड़े बड़े पेड़ों पर अपने जीवन को बिताते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से मीठा फल, इंसेक्ट्स और छोटे छोटे पौधों से होता है। पिग्मी मार्मोसेट की सबसे अजीब बात यह है कि इसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये बंदर अपने जंगली एनवायरनमेंट के प्रति खतरों से जूझ रहा है। पायर्ड मंकी। दोस्तों, इस बंदर को तामारिन पायर्ड मंकी भी कहा जाता है। ये छोटे और शानदार बंदर की एक प्रजाति है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका नाम इसके खास पायर्ड रंग के बालों से मिला है, जो इसे अन्य बंदरों से अलग बनाते हैं। तामारिन पायर्ड मंकी का आकार छोटा होता है और इसका वजन लगभग 300 से 2500 ग्राम तक हो सकता है। इसकी पहचान इसके बड़े आँखों और अजीब मुस्कान से होती है, जो इसे एक स्वच्छ और खुश मिजाज बंदर बनाते हैं। ये मंकी प्रोस्पेरिटी वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, जहाँ ये छोटे झुंड में रहते हैं और पेड़ों के ऊपर अपने जीवन को बिताते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से मीठा फल, इंसेक्ट्स और अन्य हल्के खाने से होता है। तामारिन पायर्ड मंकी की सबसे खास बात यह है कि इसके संरक्षण के लिए उच्च चिन्ह वाले वाइल्ड लाइफ को सहारा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका प्राकृतिक स्थानीयता खतरे का सामना कर रहे हैं। अमेजोनियन फ्लाई
फ्लाई कैचर। दोस्तों, इसे अमेजोनियन मक्खी पकड़ने वाला भी कहा जाता है। ये एक चिरपिंग और बहुरंगी पक्षी है जो अमेजोन में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह मच्छरों और उनके लार्वों को अपना आहार मानता है, जो इसे सबसे खास बनाता है। अमेजोनियन फ्लाई कैचर का आकार छोटा होता है और इसकी शानदार परिसरीय रंग बिरंगी पर्यावरण से मिलती है, जो इसे वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट में बहुरंगी पक्षी बनाता है। इस पक्षी का आहार मुख्य रूप से मच्छरों और उनके लार्वों से मिलता है, जो यह पक्षी तेज उड़ान भरने की क्षमता के साथ धूप में भी उड़ान भरता है। इसकी गुच्छाएं आमतौर पर पेड़ों पर बनती हैं, जहां यह अपना घोंसला बनाती है और ये हमेशा मच्छरों की खोज में रहती है। इस प्रजाति के बच्चे बूंदीदार और मच्छरों के चारिक अंशों से सहारा लेते हैं, जो इन्हें अच्छे से उभारते हैं। इस पक्षी का अध्ययन और संरक्षण महत्वपूर्ण है, ताकि इसके प्राकृतिक स्थानीयता को सहारा मिल सके और इसके प्रदूषण और वाइल्ड लाइफ खतरों का सामना किया जा सके। ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, इस तितली को कांच की पंखों वाली तितली भी कहा जाता है। ये एक अनोखी और सुंदर प्रजाति की तितली है, जो दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको और अमेरिका के वाइल्ड लाइफ एरियाज में पाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसके पंखों के किनारों में कांच की तरह दिखने वाले ट्रांसपेरेंट पैटर्न होते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। ग्लास विंग बटरफ्लाई का आकार थोड़ा सा छोटा होता है और इसके पंख कांच के जैसे दिखते हैं, जिससे यह उनके साथ घुल मिल जाते हैं और नेचुरल रिलेटिविटी में बचने में सहारा प्रदान करती है। इसके पंखों की अपूर्व खूबसूरती के कारण ये तितली दुनिया भर में लोकप्रिय है। इनके पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे हम आसानी से उसके आर पार देख सकते हैं, और साथ ही इसके पंख कांच की तरह दिखते हैं। इन बटरफ्लाईज का आहार आमतौर पर रंगीन फूलों का रस होता है। ग्लास विंग बटरफ्लाई की लाइफस्टाइल और इसकी यूनिकनेस ने इसे एक अद्भुत जीव बना दिया है और इसकी संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया है। आराकारी। दोस्तों, इसे आराकारी टुक टुक भी कहा जाता है। एक छोटा और रंगीन पक्षी है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसका नाम इसके अनोखे पंजों से पड़ा है, जो इसे खास बनाता है। आराकारी का आकार छोटा और सुडौल होता है और इसकी चोंच बड़ी और मुंह के खासियत से बनी होती है, जिसमें विभिन्न रंगों की रूशीज होती है। ये पक्षी अपने प्राकृतिक इलाकों में पेड़ों, बूंदीदार इलाकों और उच्च ऊंचाइयों पर बसते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से तरह तरह के फलों, बीजों और कीटाणुओं से प्राप्त होता है। आराकारी विशेष रूप से अनोखी ध्वनियों और तरंगी पंजों के साथ अपने संगीती प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें अपनी ऊंची और मनोरंजक उड़ान भरने की स्पेशल एबिलिटीज से भी पहचाना जाता है। आराकारी की सुंदरता, खास आवाज और रंगीनता ने इसे चर्चा के लिए प्रसिद्ध बना दिया है और इसके संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया है। बोट बिल्ड हेरन। इस बर्ड को बोट बिल्ड बगली भी कहा जाता है। ये एक खास और चमकदार पक्षी है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसका नाम इसकी खास चोंच की वजह से है, जो कि इसके नाव की तरह दिखते हैं। बोट बिल्ड हेरन का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके बड़े और शानदार पंखों में सूंडरी छुपी होती है। इसकी चोंच का आकार बड़ा होता है, जो इसे आकर्षकता में खास बनाता है, जो इसे अन्य हिरनों से अलग बनाती है। ये हिरन अपने आबादी के लैंडस्केप एरियाज में रहती है, जैसे कि वर्षावनों के बगियों, झीलों और नदी के किनारों में। इसका आहार मुख्य रूप से मछली, क्रैब्स और अन्य छोटे जीवों से प्राप्त है। बोट बिल्ड हिरन की आवाज आकर्षित होती है, जो इसके संगीतीता को बनाए रखने में मदद करती है। इसकी रंगीन दिखावट, खासियत से भरी चोंच और आकर्षक व्यवहार ने इसे प्रशंसा के पात्र बना दिया है और इसकी सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। मैंग्रोव क्रैब। दोस्तों, इस क्रैब को मैंग्रोव केकड़ा भी कहा जाता है। ये एक चमकदार और अनोखा केकड़ा है, जो मैंग्रोव वर्षावनों में पाया जाता है। यह एक मिलीजुली प्रजाति है, जो उच्चील और चढ़ती हुई स्थितियों में अपने जीवन को बिताती है। मैंग्रोव क्रैब का आकार मामूला सा होता है और इसके बड़े से कवच में रंगीनता होती है, जो इसे अपने पर्यावरण में घुल मिलने में मदद करती है। इसके पंजे मुख्य रूप से चट्टानों, मैंग्रोव की जड़ों और जंगलों, छोटे जीवों से बने होते हैं, जो इसका प्रमुख आहार होता है। ये क्रैब मुख्य रूप से मैंग्रोव नाम के समुद्र इलाकों में दिखाई देते हैं और इसका संरक्षण मैंग्रोव वर्षावनों के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव इलाकों को बचाए रखने में ये क्रैब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसका आहार और उपासना इन इलाकों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। मैंग्रोव क्रैब की लाइफस्टाइल और इसकी जीवन कला ने इसे एक अनोखा जीव बना दिया है और इसका संरक्षण मैंग्रोव इलाकों के सही फंगी और उच्चतम सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स मौजूद है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो कर दिया करो। और अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।